देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पेंट शर्ट पर अगर गाड़ी मोटर लेकर चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्रण। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है, जो आज आप देख रहे हो टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। ना चार युग का इतिहास आपके पास है, ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए एक महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कटकट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूँ अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज़्यादा समय लगावें? हमने देखा हमारी माताएं, चाची ताई, 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती हूँ हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी, अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते, दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके, फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको, और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट 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 ढेर सारा काट दे, घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेल रहे और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओं को सिनेमा देखे, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा, डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए, और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, अरे ये माया कहाँ से हो भोले आदमी, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं, और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए, कभी सागर कबीरवाणी में प्रिंट है वो गलत है, संवत 1774 होई तादन प्रेम प्रगट है जग सोई, और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और बर ये 12 पंथ हमी को धावें अस्थिर कर कमरम नहीं पावें, इंक्लूडिंग गरीब दास पंथ को, कबीर साहब ने कहा है, कबीर गरीब दास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से, और बर में पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होगी, और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे, जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे, वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बांचे पुराण 18, अर्जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहने वेद समझे, फिर
इसी प्रकार ईर्ष गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतलदास नाम का भगत था जिसका गांव बराना जिला जज्जर में उनका आश्रम था, गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शिष्य थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय श्री छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया, दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर खरखोदा तहसील जिला सोनीपत हरियाणा में, वहां जब मैं गया उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों के हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था, ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका यह प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो इतैसी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे, आने वाले समय में ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है, और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा, जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, या पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वहीं पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा ही लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब भार मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है, जिनको हम संत माना करते थे, गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना, सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंदर नाथ उसका सौ फूक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंदर नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी, और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपुण आत्माओं, तब तब परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर अपने राग के अनुसार बोला जाता है, कहा कि गोरखनाथ में सब सभन का गुरुआ,
आप गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई, कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, रटूने टामण हंड फूलिया, मुर्दे तक जीवित करना, पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूना टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, सातों समुद्र खाली कर दिए पुण्यात्मो, आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके इस तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पासिंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे इन सिद्धियां प्राप्त करके, लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में ये प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूने टामण हंड फिर लिया। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत, जो किसान स्तर के हैं उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहाँ से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की अपनी सिद्धि शादी दिखाकर, परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि, तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, वैसे किसी को कड़वा लगे एक दिन समझ में आओगी ना जो बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम कराया करते जुलाहे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहब जी ने कह दिया भाई सूरत मलोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता। अपने आत्माओं जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया वापस, छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु मिला तो सो दीप आई, गुरु मिला तो दिखिया लीनी, और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा जो वाणी दी द्वारा उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
और जात दुलाह भेद नहीं पाया, कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी ही सुनाते हैं, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो हो हंसा अर्ता के उतारू इकोत्तर वंशा, 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहां आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इस नाम में फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, दो चार की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आसरे कदे न उदरे जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रहे हैं के सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युग में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया, फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं, आप इसे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में धर्मराज के दरबार में वह कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है।
कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीज़ों के लिए हम भक्ति करते हैं, यह संसार में रहे, परमात्मा की छत्रछाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टलें, हमें सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हों और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा उस वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जग तुकता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चार युग माए हैं, ये गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया, वो क्या नाम जाप करता था, पांच नाम, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई, वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था, और उसका छोटा भाई जो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ कर गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल कामना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत हो थी, दुख हो था मुझे, और बुक्की के अंदर वो बोलिया करता शिवदयाल आके, वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह के भी पता नहीं था। दातुम का शिवदयाल जी को इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की तो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग एक, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वह कैसा ज्ञान रखता था, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम, खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान, और परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर गए थे कबीर परमेश्वर, और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर, अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा, ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट, कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव सनकादिक, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और सनक सनातन सनकादिक ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी, कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर सैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीर,
शिव ब्रह्मा दिक थकत हैं कौन धरे जा धीरे, लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनि जन संत, ऊंचा दाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ और ध्यान लख लख कोश योजन, एक योजन में चार कोश, एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर है। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरे लख लख और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन कर कर हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा सपने में बिना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद स्व प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित वहां पर, उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के उसके तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में मकान में चला गया और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाका है, तो वो परमात्मा सतलोक में है। और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे खिड़की के अंदर से प्रकाश गया वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो भी वैसा प्रकाश भी नहीं है, उसे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देख कर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी, एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चारद हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से, फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा, जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था वो बनी, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था, मैंने ऐसे कहा भाई यहां घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं उसे घूमा, वो मन में आस्था रह गई, पटक दिया नीचे नीचा कर दही। और भगत कहने लगे जी एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखांगे, इसने जान दे इसकी आस्था रहेगी यहां पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं डटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहां से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का, नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहां से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सचिर करेगी आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डिगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी। अब मन से हल्की बन गया क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 5 यज्ञ कराई जा रही है यहां पर, जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहां से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था,
क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 84 लाख योनि के दुख भी भोग लिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके, तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंग जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको, ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बाट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको, आगे टेलीकास्ट कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा का ज्ञान एज इट इज, महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूँ, जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है तुम्हारे लिए भौंक रहा हूँ, और सच्चाई से परिचित करा रहा हूँ, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे, क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति, तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है, सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज़ खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं, ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो, तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी, जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले, उसका भाई बाल योगेश्वर के जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं, 4 क्रिया बताते हैं अकल देखो इनकी, कान बंद कर लो अंदर के आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो, इब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप, फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी, और फिर वो नाम क्या देते हैं, हंसो हंसो, अब उल्टा कर लो सो हो गया, तुम स्वीट दाई कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर, और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 भार हम अंदर मोटरसाइकिल में बीच तो तोड़ो, और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ इसको इधर, और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया, ये 2 अक्षर का मंत्र है, अरे 100 शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा जब 2 में भी लिखा है, 1-2 में दोनों में परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं, अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो हंसो को उल्टा करने का क्या, तो क्या हंस तो जीव होता है, और सोहम मंत्र है, गरीबदास जी लिखा है, दम सुदम कु सोह दले, ओ हम सो हम सारे, उल्टा गोता मार लिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास उश्वास को सोद ले, और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहेब जी की भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है, नानक साहेब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम, वही परमात्मा उनको दिया था।
दादू साहेब जी को परमात्मा मिले उनको यही नाम दिया था, नामदेव जी को परमात्मा मिले उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, दो अक्षर के मंत्र से भी, ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए। तो हम श्वास उस श्वास से इनकी बोक्की लावांगे, और बोक्की का काम है जहाँ जल है वहाँ तक पाइप पहुँचा दी, जल नहीं मिला पहुँच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपम्प नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सार नाम वो हैंडपम्प है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे, लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी कारण से, और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते, प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो स्मरण रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं, और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सदगया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और दो तीन वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा, असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, दो मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनार, एक मिनट में जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है, ये समर्थ शक्ति है, एक सेकंड में सब कुछ कर सकता, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों से सुनते हो मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए, उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे, यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे, वहाँ क्या रखा है चल तुझे वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ क्या रखा वो बड़े संत वहाँ ले चलते हैं। तो पुण्यात्मा इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहाँ आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा क्योंकि वहाँ तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहाँ धक्के खा ही रहे थे हम, फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूँ मर गया हम जावा को नहीं वहाँ पर इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका, उसने नाम ले लिया मृत्यु होगी, या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर, और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा, ये तो असंग जन्म हो गया मृत्यु और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं, लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूँ आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। कहते हैं अब जैसे प्रसंग चला था
जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है? जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज़ निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोल के, उस ढोलक के, उस उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज़ आएगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आएगी, वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो तो वो ढोल का जूते वाली आवाज़ सुन रही है उनको, वो आवाज़ भी ना सुन, जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहाँ जाना जहाँ से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है? हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ से धुन यहाँ आ रही है, वहाँ पहुँचेंगे तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाको, हो ढोल सुने भाई, तो क्या वहाँ लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहाँ मिलेगी जहाँ वो ढोल बज रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहाँ सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो, आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं, कोई कोई है उस परले पार का, यहाँ मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहाँ है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुने हैं यहाँ पर जो तुम सुन रहे हो, ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुन कर आए थे, कानों से सुन कर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु पर लाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही, वारवन उरली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और धरु और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारहि गोरख वारहि दत्त, वारहि धरु प्रहलाद अर्थ। वारहि सुखदेव वारहि व्यास, वारहि पाराशर प्रकाश। वारहि दुर्वासा दरवेश, वारहि नारद सारद शेष। वारहि भर्तरि गोपी चंद, वारहि सनक सनंदन बंद। वारहि ब्रह्मा वारहि इंद, वारहि संस कला गोविंद। वारहि शिव शंकर जो संभ, वारहि धर्मराय अर्प आरंभ। वारहि धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुँचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर्वेद, परम धाम नीलय हावेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार्थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कह उस जनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ। वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रे, और वार ही ध्रुव प्रहलाद। वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते, यानी इन पुराणों के और वेदों के
सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का, वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता, ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया जाता है, दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको वेद व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें पूछता है, ये देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में के हे भगवान, उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हैं मैंने अपने पिता से सुनी नो, था उनको ज्ञान होता व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्म राज दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मतक जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में फ्री चराया करते थे, वो वहाँ पाली ग्वाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड और सब दिखा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहेब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक को जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तक पर निरंतर बरस रही है, तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों,
इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके इस यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है। वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्ज्ड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है अपने ऊपर की, कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक हैं। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। चार प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार चार प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, अग मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगी। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस शव को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, और चार दाग आता नहीं वाकू सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहाँ जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था न्यायाधीश, परमात्मा वहाँ प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे नो एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अये है, जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाक को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ, वहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना जान रहा हो, जानबूझ के बकवाद करे उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा है, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो दो चार साल भक्ति कर ली है, दो चार वर्ष संदास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी गणेश जी दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहाँ से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहाँ देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहाँ जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चुके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं,
फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन दो ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दुहाई है लाख करोड़ दुहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाखू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाखू भांग खाते हों और पर्दा राख पर घर तक हैं, दूसरे की पत्नी में पूरी नीत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं, आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको लो अकनाही, धर्म राय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरत हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई, ये कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेश। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।